तो भाई ये देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 से 6 तक जो नंबर दिए गए हैं उनमें ये जो स्टार वैल्यू दी गई है, यहाँ पे स्टार की जगह के कौन सी ऐसी छोटी सी या स्मॉलेस्ट वैल्यू रख दें जिससे ये वैल्यू 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आइए देखते हैं इनका सोल्यूशन। भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। फर्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, 2, 7 स्टार और 4। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब इनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इनका सम हम डिजिट्स करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे क्या डिजिट दिए गए हैं, 2 दिया गया है, प्लस 7 दिया गया है, प्लस 4 दिया गया है। अभी स्टार को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 6 और 7 6 13। 13 यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम 13 में 2 और जोड़ देते हैं तो 2 और जोड़ने पर क्या आ जाता है, 15, जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट में, ये चाहें तो आप रफली कर सकते हैं या अगर आपके टीचर कहें तो इसे फेयरली वर्क में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि इफ वी रिप्लेस स्टार बाय 2 देन द नंबर यहाँ पे होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन सेकंड। इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 3 स्टार 4 6। अब पहले हम क्या करेंगे, हम सम करेंगे इनके डिजिट्स का। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू है 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6। स्टार को भी कंसिडर नहीं करना है, तो इनको ऐड करने पर कितना है, 6 4 10 10 5 15 15 3 18। 18 आ रहा, तो 3 6 18, 18 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इफ वी रिप्लेस स्टार बाय 0। अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो इनको डिजिट को सम करने में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इफ रिप्लेस स्टार बाय 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 स्टार 7 1 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू है 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको ऐड करने में कितना आएगा, 8 और 7 प्लस 1 8 8 8 16 और ये 17। 17 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 18। 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ वी रिप्लेस स्टार बाय 1 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन 4। इसमें क्या कह रहा है, 6 2 स्टार 3 5। तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू है 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
फाइव, तो सिक्स सेवन एट, एट और फाइव थ्री एट, एट एट सिक्सटीन, सिक्सटीन आता है। तो सिक्सटीन में अगर हम टू जोड़ दें, टू अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है एट्टीन। तो एट्टीन क्या है, थ्री से डिविजिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ वी, इसे आई को कैपिटल कर लीजिएगा, इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाय टू, अगर हम स्टार को टू से रिप्लेस कर दें तो देन द नंबर नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, तब वो नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन फिफ्थ, इसमें क्या कह रहा है, टू थ्री फोर स्टार वन सेवन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम, टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस वन प्लस सेवन, तो सेवन वन एट, एट फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन, सम करने में कितना आया, सेवनटीन आया। अब अगर इसमें हम वन और जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एट्टीन बन जाएगी, और एट्टीन थ्री सिक्स एट्टीन, थ्री से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाई वन देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, अगर हम स्टार को वन से रिप्लेस कर दें तो वो नंबर थ्री से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन सिक्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिक्स स्टार वन ज़ीरो फाइव फोर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू है सिक्स प्लस वन प्लस सॉरी प्लस ज़ीरो प्लस फाइव प्लस फोर, ये प्लस का साइन है। इसके बाद जब हमने सम किया तो सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन और ये ज़ीरो है तो ज़ीरो सेवन हो जाएगा, और फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर सिक्सटीन, कितना आया, सिक्सटीन आया। अगर सिक्सटीन में हम टू और जोड़ देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एट्टीन। अब एट्टीन आया जो कि थ्री से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाई टू then the number is divisible by 3, अगर हम स्टार को 2 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये पूरी नंबर 3 से डिविजिबल होगी।